नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बहुत बहुत स्वागत है ममिता साहनी कुकिंग चैनल में। तो आज हम चिकन के वीडियो डालने वाले हैं, बनाने वाले हैं। एक मेरा व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की है कि आप चिकन के वीडियो सिखाइए बनाने के तरीका। तो आज हम चिकन बनाते हैं। 1 किलो हमारा फ्रेश चिकन है ये, इसको धोकर बढ़िया से साफ़ कर लिए हैं। इसमें के मसाला दिखा देते हैं। वीडियो का अंत तक पूरा बने रहिएगा, वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइएगा। जैसे मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दिखा देते हैं, मसाला में लिए हैं जीरा, मरीच, आखा धनिया, आखा मिर्ची और 2 लहसुन का पुटिया। यही मसाला हम डालकर बनाएंगे। टमाटर वगैरह कुछ नहीं इसमें लगाएंगे, नहीं धनिया पत्ता। तो हम इसको पीस लेते हैं। तो मसाला को सील पर पीस के ले लिए हैं। सील पर पीसने से क्या होता है, बहुत चिकन टेस्टी बनता है। तो और मसाला आपको हम दिखा देते हैं। ये हमारा लहसुन और प्याज, काली मिर्च, जीरा, इसको अच्छे से सुनहरा करके भून कर और पीस कर ले लिए हैं पेस्ट बनाकर। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये प्याज ले लिए हैं काट कर ऐसा पीसस में। तो आइए हम बनाते हैं इसको। चूल्हे पर कढ़ाई रख लिए हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम तेल डाल लेते हैं। तेल डाल लिए, तेल बढ़िया गर्म हो चुका है। तेज पत्ता डाल लेते हैं, आखा, लाल मिर्च बढ़िया से चटकने देते। तेज पत्ता और लाल मिर्च बढ़िया से देखिए चटक चुका है। अब इसमें हम प्याज को डाल लेते हैं। डालकर अच्छे से सुनहरा होने तक इसको चलाते हुए भून लेते हैं। एकदम पूरा सरल तरीका है चिकन बनाने का। ऐसा आप बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन लगेगा, टेस्टी। बताइए मत कितना लगेगा चिकन, जैसे मैं बता रही हूँ उससे बनाएंगे तो। तो कुछ प्याज ऐसा भून कर कर लेना है। देखिए दिखा देते हैं पास से आपको हम। तो ये देखिए ऐसा ही पूरा कर लेना है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट को डाल लेते हैं। अच्छे से इसको चलाते हुए करते हैं मिक्स बढ़िया से। भून लेते हैं बढ़िया से। बढ़िया भून चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट भी। अब हम चिकन को डाल लेते हैं। अच्छे से इसको मिलाते हुए मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से। दो मिनट के लिए पूरा ऐसा ही भून लेते हैं। अब इसमें 2 मिनट चलाते हुए हो गया। अब इसमें 1.5 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल लेते हैं। नमक स्वाद अनुसार। डेढ़ चम्मच के करीब नमक भी डाले हैं। अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्स बढ़िया से। 2 मिनट के लिए इसको कवर करके पका लेते हैं अच्छे से। 2 मिनट बाद इसको देखते हैं हम। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा चिकन गल गया है। इसको चलाते हुए अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए पूरा तेल छोड़ दिया है। ये देखिए पूरा भून चुका है। अब इसमें हम मसाला को डाल लेते हैं। डालकर अच्छे से चलाते हुए मिला लेते हैं।
इसको ढककर फिर से 2 मिनट के लिए पकाते हैं अच्छे से। 2 मिनट बाद फिर से इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरा तेल ऊपर आ गया है, और भून लेते हैं थोड़ा। अब जो मसाला प्याज और लहसुन गोल मरीच और जीरा भून कर पीस के रखे हैं वो भी हम इसमें डाल लेते हैं। डालकर अच्छे से इसको भी मिक्स करते हुए पूरा भून लेते हैं। जब तक भूनेंगे कि तब तक मसाला ना हमारा चिकन में के पूरा अलग अलग हो जाए, फट जाए। जब चिकन में मसाला भूनने से फट जाता है तब चिकन बढ़िया बनता है। इसको बढ़िया से भूनते हुए चला लेते हैं। इसको फिर से हम ढकते हैं। ढक ढक कर चिकन पकाने से क्या होता है कि बहुत अच्छे से पक जाता है, नहीं तो कच्चा रह जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। फिर से ढक लेते हैं। 2 मिनट बाद फिर से देखते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर पूरा ऊपर ऊपर तेल तवर रहा है, पूरा छोड़ दिया है तेल। मसाला हमारा पूरा बढ़िया से भून चुका है। चला लेते हैं अच्छे से। ये देखिए दिखा देते हैं पास से। ये देखिए पूरा मसाला फटाफटा दिख रहा है, पूरा चिकन में मसाला भून चुका है। अब इसमें हम क्या डालते हैं, पानी डाल लेते हैं। इसमें एक और मसाला हम डाल लेते हैं, एवरेस्ट चिकन मसाला। ये देखिए मसाला को डाल लेते हैं। डालकर अच्छे से इसको मिला लेते हैं बढ़िया से। पूरा टिप्स आपके बताते जा रही हूँ, ऐसा आप बनाएंगे फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया आपको चिकन बनेगा। आप खाते वक्त तारीफ करते वक्त नहीं थकेंगे आप लोग। तो ये देखिए पास से दिखा रहे हैं कितना सुंदर दिख रहा है, पूरा मसाला अलग हो गया है भूनकर। अब इसमें हम क्या डाल लेते हैं, पानी को डाल लेते हैं। अब इसमें 1 कप पानी डाल लेते हैं हम, बढ़िया से करते हैं मिक्स। आधा कप और डाल लेते हैं, कम लग रहा है मुझे पानी। पूरा हो गया पानी, अच्छे से इसको पूरा 10 मिनट के लिए पकाते हैं बढ़िया से। 10 मिनट के लिए क्यों पकाते हैं, जितने बढ़िया से पकाएंगे उतने चिकन अच्छा लगता है। तो पका लेते हैं इसको 10 मिनट तक। अब इसको ढक कर 10 मिनट तक हम पका लेते हैं बढ़िया से। तो ये लीजिए 10 मिनट बाद कितना बढ़िया दिख रहा है। इसको चलाते हुए और हम 5-6 मिनट के बाद उतार लेंगे, पका लेते हैं 5-6 मिनट। तो ये लीजिए 5-6 मिनट के बाद हमारा पूरा चिकन रेडी है। अब इसको हम उतार लेते हैं नीचे। तो ये लीजिए निकाल लेते हैं एक बर्तन में हम। ये देखिए कितना अच्छा। तो ये लीजिए हमारा पूरा चिकन तैयार है बनकर। ये देखिए कितना टेस्टी कितना बढ़िया, दिखा देते हैं पास से आपको। तो ये लीजिए देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना अच्छा, जितने दिखने में दिख रहा है बढ़िया उतना टेस्टी खाने में भी ये चिकन बनाया हुआ लगता है। अगर दोस्तों मेरा रेसिपी आप लोग के चिकन वाला पसंद आई होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा
हमें अपना प्यारा प्यारा हाथों से कमेंट में बताइएगा कि हमारी चिकन वाला रेसिपी आप लोग के कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।